जैसा माहौल है। Amazing food, delicious food, quality, quantity, service, amazing. Dil khush kar diya. And the person who was serving, he was one of the partner, very humble, very polite, and बहुत दिल से खिलाया. जितना मुझे sugar नहीं खाना उतना दबा दबा के खाया है. So it was amazing food. One must come at Rajkot at I love Braj Vatika. It is very very reasonable. अगर आप ये बॉम्बे में जाए तो मुझे लगता है it's more than 20,000 rupees. और हम शायद 10 जन हैं ना, 10-11 जन. Very reasonable, very quality, authentic food, taste amazing. गांव का खाना है तो यही आना है. गुजराती માં કહી દઉં એટલે આપણે અહીંના લોકો જલ્દી આવી જાય, બરોબર? એક તો હિન્દી, ચલો હિન્દી, બાવા હિન્દી. યહાં કા यहाँ की जो स्पेस है जबरदस्त है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी गांव के जैसा है, एंड द फूड इज वेरी नाइस, स्टाफ इज ऑल्सो वेरी गुड, वन ऑफ द पार्टनर इज ओवर देयर, ही इज वेरी पोलाइट इन नेचर, उसकी जो सर्विस है अमेजिंग सर्विस, वी जस्ट लव ब्रज वाटिका. और कमेंट में ये ना बताना कि जिजा भूखड़ है. आपको टेस्ट मिलेगा प्योर काठियावाड़ी. सबको स्वीट दीजिए एक बार. जबरदस्ती खिलाते हैं, ऐसे हम खिलाते हैं. हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल, स्वागत है आपका फूड तहलका में. आज मैं आया हूँ राजकोट में, और पीछे देख सकते हो आपको मैं दिखाऊंगा कितनी अच्छी लोकेशन है ये, और ये है ब्रज वाटिका. तो मैं दिखाऊंगा यहाँ पर क्या खाने को मिलने वाला है स्पेशल. तो चलते हैं अंदर की तरफ. माय नेम इज चेतन तेरैया एंड आई एम मैनेजर हियर. हमारे ये जो कस्टमर है, हम इनको कस्टमर नहीं मानते हैं, हम इनको अपना गेस्ट मानते हैं. जैसे हम गेस्ट को ज़बरदस्ती खिलाते हैं, ऐसे हम खिलाते हैं. हमारे यहाँ हम 7 सब्जी सर्व करते हैं हर रोज़. ये सबसे पहले इसको हम हमारी काठियावाड़ी लैंग्वेज में ऊंधिया बोलते हैं, जिसमें हर एक सब्जी पड़ती है. ये भरे हुए बैंगन का सब्जी है, जिसमें हम मसाला अंदर में भरते हैं. ये हमारा काठियावाड़ी स्पेशल, इसको हम बोलते हैं बैंगन का भरता, जिसको यहाँ हम पोड़ा बोलते हैं. ये है हमारी रजवाड़ी ढोकले का सब्जी. ये है सेव टमाटर. ये सेव टमाटर. ये है बटाटा का सब्जी. ये है एक अड़द उड़द 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 का सब. हाँ हाँ, जैसे ये दाल में रहती है उसका हम सब्जी बनाते हैं. तो मतलब इसको दाल तो नहीं बोल सकते. और ये है लहसुन, लहसुन वाले बटेरा. हाँ, इतनी हम सब्जी हर रोज पर सर्व करते हैं. और इधर में ये है बाजरे की रोटी. ओके. और ये है गेहूं की रोटी. हाँ, फुलका रोटी. ओके. ये साथ में मक्खन है. ये मक्खन. ये चटनी है. अगर कोई स्पाइसी खाना चाहते हैं तो वो उसको अपने टेस्ट से ऐड कर सकते हैं. साथ में हम ये सलाद देते हैं, जैसे कि टमाटर है, प्याज है, गोभी है, नींबू, ककड़ी और गुड़ देते हैं. गुड़. हाँ, मिर्ची. छाछ देते हैं. और ये सब साथ में पापड़ है. ये हमारे काठियावाड़ के स्पेशल कढ़ी और खिचड़ी. खिचड़ी. हाँ. और साथ में मिर्च और ये स्वीट में हम देते हैं. और सब जो पूरा है वो अनलिमिटेड है, मतलब कोई इसमें फिक्स नहीं है कि कितना ही खाना है. मतलब कि क्वांटिटी में कोई कमी नहीं. नहीं बिल्कुल सर, हमारे कस्टमर है उनको ऐसे रेट वाइज नहीं, पूरा उनको पेट भर के खाना खिलाते हैं. रेट जो है वो सेम ही रहता है. कोई अगर मतलब ज़्यादा खाता है तो ऐसा नहीं है कि उसका ज़्यादा लगेगा, मतलब लूज में सर्व नहीं करते हैं. अच्छा. पूरा डिश मतलब जितना अनलिमिटेड ही रहता है हमारा. यहाँ पे ब्रज वाटिका का स्पेशली जो काठियावाड़ी हमारा जो मेनू होता है वो बहुत ही बढ़िया था, और हमें टेस्ट में बहुत अच्छा लगा. स्पेशली जो रोटला था, वघारेला रोटला जिसे कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा. उसका टेस्ट वाइज जो कॉम्बिनेशन है यहाँ का वो बहुत ही अच्छा, जैसे प्योर कह सकते हो कि काठियावाड़ी है. मैं ग्रुप में भी बताऊँगा कि ब्रज वाटिका में जाने से आपको टेस्ट मिलेगा प्योर काठियावाड़ी. भाई साहब, आपको यहाँ पर 180 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड खाना मिलने वाला है. वो मतलब वैरायटी भी देख सकते हो कितनी सारी है यहाँ पे, काफ़ी वैरायटी है खाने को. अब तो थोड़ा देख के आके पट रही है, इतना क्वांटिटी है और क्वालिटी है. और आप देख सकते हो ये आपको
मतलब अलग अलग वराइटीज़ की आपको सब्ज़ी मिलने वाली है और मज़ा आने वाला है कोई, क्योंकि ये आपको 180 रुपीज़ का मिलने वाला है। ये रोटला, क्या बात है, ये बाजरा का है। और बाकी ले रहा है तो देख लो, ये प्योर मक्खन हमारा, और ऊपर से ये अलग से लस्सी, यहाँ पर छाछ बोलते हैं इसको और पंजाबी में लस्सी। तो बताते हैं कि फूड कैसा है ट्राई करके, मतलब ये ब्लॉग होने वाला है दो लोगों का आज, क्योंकि थाली इतनी बड़ी है ना भाई, और मैं अकेला नहीं खा सकता। ये यहाँ की डिश है, देख सकते हो, उंदियू। मैंने बैंगन खाया भाई, बहुत बढ़िया, घर वाली फील आ रही है मेरे को। मतलब ही मैंने उंदियू खाया, इतना टेस्टी है, मतलब ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। क्या बात, ये ढोकली की सब्जी है गाइस, ढोकली। वाह, ये देखते हो आप, सेब, मतलब यहाँ पर सेब की सब्ज़ी मिलती है, मतलब ये पंजाब में तो नहीं मिलती, यहाँ पर ही मिलती है गुजरात में। गाइस मैं तो खाने में बिजी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 12:15 हो रहे हैं, भूख लगी है। पर कमेंट में ये ना बताना कि जीजा भुखड़ है। जीजा भुखड़ नहीं है, जीजा ज़्यादा ही। नहीं नहीं, ये गलत है, ये कट जाएगा। मतलब जो सेब की सब्ज़ी है ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, मतलब इतना ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। यहाँ की लैंग्वेज में बोलते थे लसनिया पटेटा, मतलब गार्लिक आलू है ये पोटैटो। बहुत साफ ज़बरदस्त टेस्ट है इसका भी, मतलब पंजाबी में इसको आलू की सब्ज़ी बोलते हैं, पर यहाँ पर अलग ही टेस्ट है इसका, ज़बरदस्त मसालेदार, मतलब पूरा प्रॉपर मसालेदार। ये आपको दिखाता हूँ, ये बैंगन का भरता है, बहुत जबरदस्त, देखने में ही बहुत लजीज लग रहा है। अच्छा गाइस, बैंगन के भरते के साथ हम बाजरे की रोटी खाते हैं, और जब भी ठंड शुरू होती है तब हर एक के घर में यही बनना है, बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी। ये हरा भरा बैंगन, मतलब इसमें प्रॉपर बैंगन आपको दिखेगा, बैंगन के अंदर भर भर के मसाला डाल रखा है, मतलब आपको दिखेगा अभी यहाँ पे वाइस का जबरदस्त। जी जी, आप बताइए कैसा लग रहा है टेस्ट। मैं तो फैन हो गया भाई, मेरी तो हर वीक में 2 विजिट बन रही है। अब आप देख लो, क्योंकि टेस्ट तो पूरा घर का टेस्ट है, खाने के बाद पता लग रहा है कि रात को अच्छी नींद भी आने वाली है, कोई पेट दर्द नहीं, कुछ भी नहीं गाइस। क्योंकि कई जगह पे बाहर खाना खा लो फिर घर पे जाके ना बेचैनी सी हो जाती है, ये वो वाला फूड ही नहीं है, मतलब मज़ा ही मज़ा है। काठिया वाड़ी कढ़ी खाने के साथ दाल पीते हैं ना, वैसे खिचड़ी के साथ कढ़ी खाते हैं मिला, मतलब आप इसका कलर भी देख सकते हो, ये कढ़ी वाइट कलर में है, मतलब काठियावाड़ी है ये, मतलब ज़बरदस्त है, मतलब देखने में अभी क्या टेस्ट है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये टेस्ट कर रहा हूँ काठियावाड़ी, क्योंकि पूरा जो फूड है ये काठियावाड़ी है। अभी तो हम रात के 12 बज गए, खाना खा रहे हैं, तो ये एक डिश बाकी थी, तो ओनर देख रहे थे भाई डिश में कुछ कम पड़ रहा है, तो ओनर ने स्पेशली हमारे लिए बनवाई है, पूरा ग्रेवी वाला, आप देख सकते हो कितना हैवी है ग्रेवी, और मतलब कि मज़ा आने वाला है इसको खाने में, देखो गर्म गर्म खाओ, मतलब जो हमने रोटलो खाया था ये उसी की ये फ्राई करके इन्होंने बनाया है ग्रेवी वाला। ये टेस्ट करेंगे क्या टेस्ट है इसका, 180 रुपये में इतना कुछ मिलने वाला है, पर साथ में स्वीट भी है, वो है सीरा बोलते हैं हमारे यहाँ तो गुजराती में, फिर हिंदी में आप लचका भी बोल सकते हो। तो ये बेसन से बना हुआ है, चने से, मतलब पूरा जो चना होता है काला चना उससे बनता है, और प्योर घी में बना हुआ है, तो ये भी टेस्ट करेंगे। क्या बात है, ये देखिए, आप देख सकते हो इसको साइड पे रखिए, ये देख लीजिए, मतलब इसमें किशमिश भी आ रही है, काजू भी आ रही है, बादाम भी आ रहा है, मतलब पूरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है, तो एक बार ज़रूर आइए और ट्राई करिए भाई। ये जो बनाया है रोटलो की इन्होंने, बगारला रोटलो, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, मतलब ग्रेवी, मतलब मज़ा आ रहा है, मसाले मसाले का जो अलग मिक्स हो गया टेस्ट इसके साथ। फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो भी बताइए, पहला एक्सपीरियंस है आपका, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरे को तो सही बताऊँ बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मैं राजकोट में, मतलब अभी तक जितने भी मैंने फूड खाए ये सबसे अलग ही था, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, मतलब जो रोटलों का मैंने ये देख सकते हो, मतलब इसकी जो मज़ा आता है अलग से रोटी टाइप सी, मतलब उसकी फ्राई करके सब्जी बना के दे रहे हैं आपको, मतलब ज़बरदस्त फ्राई मतलब करके, वाह। और हमारे यहाँ ना गुजरात में ज़्यादातर ना ये चीज़ है वो ठंडी में खाई जाती है और सवेरे नाश्ते में ली जाती है, जब रात की रोटी मतलब बाजरे का रोटला जो बचता है ना
तो वो सवेरे हमारी मम्मी हमको बना के देती है, आज भी हम खाते हैं घर पे। वो हमें यहाँ पे मिल रहा है देख लो, और 180 रुपये में मिल रहा है भाई। तो प्लीज़ एक बार तो ज़रूर विज़िट करना है आपने, मज़ा आ जाएगा आपको ये फूड खाने के बाद। जब भी आप राजकोट आए, कोई भी जो भी ये देख रहा है, तो ये जो रियल काठियावाड़ी टेस्ट रहता है, हमारे काठियावाड़ की ये पहचान है कि हमारा जो मेहमान है वो हमारे लिए भगवान रहता है। हालांकि ये पूरे भारत की पहचान है, लेकिन फिर भी हमारे काठियावाड़ में तो ये पहले से ही है। तो जब भी आप राजकोट आए और आपको ऑथेंटिक काठियावाड़ी टेस्ट लेने का अगर मन हो, तो आप ज़रूर से हमारे व्रजवाटी का रेस्टोरेंट जो कि राजकोट में नए 150 फीट रिंग रोड पे है, वहाँ पे विज़िट कीजिए, हमें अपनी सेवा देने का मौका दीजिए। थैंक यू।